गाइस अभी हम जा दोस्तों रहे हैं। वीडियो में आपके लिए कुछ है, आज हम कुछ बताने वाले हैं आपको, तो प्लीज ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। आज जया को पता नहीं कहां से ध्यान आ गया बताने का, इतने साल उसे तो बताया नहीं, अपने वो दाल में कुछ काला लग रहा है। जय बाबा की। और शहनशाह वाला डायलॉग मत मानना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो काफी लोगों ने ना पूछा था, रील्स वगैरह देख के भी, शॉर्ट्स वगैरह देख के भी पूछा था कि जो तेरे साथ लड़का रहता है वो कौन है, फ्रेंड है या कौन है, ऐसे करके पूछा था। तो बार बार ना एक्सप्लेन करना पड़ता है कौन है कौन, तब बताना पड़ता है। अभी सबको पता है वो, प्लीज आप बताओ मत, बीच में नहीं बोलते। अभी यूट्यूब फैमिली और मेरे बीच वार्तालाप हो रही है बस। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ गए आपसे मिलने, वही हमारा कुछ काम धाम नहीं है, हम छुट्टी वाले दिन घर में रेस्ट नहीं करते, हम घूमते रहते हैं। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जया ब्लॉग। हम जा रहे हैं पार्क में। इन्होंने कसम खा रखी है कि आपका स्वागत हमेशा करेंगे मेरे ब्लॉग में। हम जा रहे हैं पार्क में घूमने। पार्क जा रहे घूमने। हाँ तो आज जया की छुट्टी थी, संडे था, तो जया ने बोला घूम के आते हैं। गली गली में से जा रहे हैं हम, और लड़की ने 6:30 बजे का टाइम दिया था, 7:45 बजे उस लड़की ने। झूठी एक नंबर की है, झूठी नहीं हूँ दोस्तों मैं, झूठी है ही, जो भी इसके ब्लॉग देखते हैं सब झूठे हैं वो, झूठी है। भाई लोगों के लिए मत बोलो, लोगों का खा रखा है क्या, सच बोल के भी मैंने क्या ही करना है। गाइस एक नंबर की कंजूस लड़की है, देख रहे हो, पैदल घुमा रही है मुझे, वो बीमार आदमी को पैदल घुमा रही है ये। दोस्तों वॉकिंग करने का फिर फायदा ही क्या है, जब तुमने हेलीकॉप्टर में जाना है तो। गाइस सुबह सुबह तो ऑटो में ले चल, चलेंगे चलेंगे बालक चलेंगे। बाकी गाइस का रंग भी हो, गाइस का रंग बिरंगी कपड़ा देखो, आज दिखाओ दिखाओ, अभी दिखाएंगे हम आपको, धोती कुछ और है, पजामा कुछ और है, चुन्नी कुछ और है, आगे जाके दिखाएंगे दोस्तों। बाल खोल के जा रही, फिर इस पर भूत लगता है, फिर इसकी मम्मी नचाती रहती है। जिंदे लोगों को तो पसंद नहीं हुआ, मैं मरे लोगों से ही काम चलाओ यार। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, दोस्तों वीडियो में आपके लिए कुछ है, आज हम कुछ बताने वाले हैं आपको, तो प्लीज ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। आज जया को पता नहीं कहाँ से ध्यान आ गया बताने का, इतने साल उसे तो बताया नहीं, अपने वो दाल में कुछ काला लग रहा है। अभी बताएंगे, पहले हम ऑटो में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर, हम थोड़ा बाहर गए थे तो घर हम आ गए हैं, घर आके हमने चाय वाय भी पी ली है, तो अभी ना हमने नाश्ता बनाना है, तो मम्मी उन्होंने ना नाश्ता बनाया नहीं है, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बात मैं आपको बताने वाली थी वो भी हम थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि हम काम करने लग गए थे ना कुछ, जिस काम के लिए हम गए थे तो इस वजह से तो वो बात अधूरी रह गई है, लेकिन वो बात हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी पहले मम्मी से मिलो आप। हेलो मम्मी। हेलो। नाश्ता क्यों नहीं बनाया आपने? नाश्ता तो नहीं बोला, मैं बनाऊँगी, बना भी। और नाश्ते में हम क्या बनाने वाले हैं ना दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम नाश्ते में बनाने क्या वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा नाश्ता करने वाले हैं आज हम, थोड़ा हल्का खाएंगे क्योंकि आज संडे है, तो अगर हम सुबह हल्का खाएंगे तो दिन में हमें भारी खाना मिलेगा, कुछ अच्छा अच्छा बनाएगी मम्मी, है ना मम्मी। क्या बनाना, दाल भात। तो दोस्तों यही होता है ना, मम्मी फिर दाल भात में टाल देती है हमें यार, और क्या बनाना, मम्मी की क्या, और मम्मी की फेवरेट सब्जी घिया तोरी टिंडा। टिंडे तो मैं लाती नहीं हूँ, बनाती नहीं हूँ। मैंने बनाए थे एक बार टिंडे ना, उसी दिन बनाए थे हमने, उसके बाद बनाए भी नहीं, वो भी पता नहीं 1-2 साल हो गए इस बात को। और निम्मी अभी नहा रही है तो नाश्ता बनाएगी, तो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं दोस्तों, किचन में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बना रहे हैं मसाला ओट्स, सबसे सिंपल था आज, मैंने बोला ओट्स ही खा लेते हैं, तो अभी कढ़ाई पर हमने ना ओट्स चढ़ा दिए हैं, जब तक ये पकते हैं तब तक हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मम्मी और निम्मी ना बिस्किट वगैरह खा रहे हैं भाई, और देखो गाइस देखो मेरा व्लॉग चल रहा है, ये दोनों ना मेरे ही व्लॉग देखते रहते हैं। और यहाँ पे ये मेरे को भी दो भाई बिस्किट, हम खाते हैं बर्बन का बिस्किट, भूख लग रही है। तो दोस्तों नाश्ता करके तो मैं सो गई थी, मुझे आ गई थी बहुत तेज़ नींद, क्योंकि आज मैं ना जल्दी उठ गई थी तो इसलिए मैं सो गई थोड़ी देर। अब कल तो निम्मी का एग्ज़ाम है साइंस का, और मैंने खाना भी चढ़ा दिया, तो यहाँ पर निम्मी कर रही है पढ़ाई, और हमने रखी है चूल्हे में दाल। तो मैं पहले किचन में ना सीधी देख के आती हूँ, चढ़ा दिया मैंने ना उसको दाल को, जा जाएगी वो तो।
देखिए हम तो यहाँ पर अभी दाल हो रही है, दाल होएगी तो फिर टमाटर प्याज काटेंगे, अभी छौंका लगाएंगे। मम्मी गई है अपने कुर्ते देने फिटिंग के लिए, तो अभी हम दोनों ही हैं यहाँ पर। और मम्मी कर रही है अपनी जोरों शोरों से पढ़ाई, याद हो गया तुझे? बहुत बेकार दीदी, बहुत बेकार पेपर है कल, बहुत बेकार। जिसको पढ़ना नहीं होता ना उसके लिए सब कुछ बेकार ही होता है दोस्तों। अच्छा गाइस, हमारे को 2 घंटे हो गए हमारे से एक रील नहीं बनी है, और आपको तो पता है आजकल हम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, और आज संडे है तो हमारे को एक रील बनानी थी, वो हम बना नहीं पा रहे हैं। और हमारा डायलॉग कौन सा था वो अभी नहीं बताएंगे हम, और मेरी शक्ल ढंग से दिख नहीं रही है चाचा। वो तुम इंस्टाग्राम पे देखोगे तभी पता चलेगा तुम्हारे को, हमारी नई रील आने वाली है। और ये रही जया महाराज कैमरामैन। दोस्तों इनको हमारे घर में आए हुए ना हो गया होगा कम से कम 1 घंटा, जब मैं खाना बना रही थी। 4 साल हो गए हैं क्या? लॉकडाउन से ही आ रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल भाभी ने 4 साल कह दिया। तो दोस्तों अभी हम खाना वाना खा लेते हैं, दाल भात बना रखे, ये रहा प्रेशर, ये रही कढ़ाई, ये रही थाली। हम क्यों और वो रही मम्मी ये रे, और वो एलईडी। तो दोस्तों हम पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा के इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बाकी कुछ अपडेट देनी है? भाई क्या हो गया, आ गया मम्मी पे। गाय भूखा मार रहा है यहाँ बैठे बैठे, गाय भूखा मार रहा है भूखा। तो गाय आज भाभी ने बना रखा दाल चावल रायता, सॉरी जया ने बना रखा है दाल चावल, बहुत बड़ा काम कर दिया दीदी ने। वो भी चावल गला दिए, गीले कर दिए इसने, नहीं नहीं करे। और रायता बना रखा है जया ने बड़ा खतरनाक वाला, रायता तो है ही नहीं। है चाचा है, नहीं गाइस है खीरे, आ से यार अच्छी नहीं दिखी शक्ल है, खीरे का रायता है बहुत टेस्टी बनाया वो, अभी मैंने चखा नहीं है, बस मेरे को लगता है अच्छा बनाया होगा, मम्मी ने बनाया होगा या तो दीदी ने, ये झूठ बोल रही कि बनाया नहीं है, इसकी बातों में आप ध्यान मत दोगे क्योंकि पागल हो चुकी है, ठीक है। आजकल उसका दिमाग अच्छे से नहीं चल रहा है, वो मुझे भी डांटती है, मम्मी को भी डांटती है, चाचा को भी डांटती है, सन क्या कही वो थोड़ी ज्यादा। ये लो जिसको बनाना है ब्लॉग सुन लिए, जया के समाचार, जया की तारीफ सुन ली। जया मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो देखो गाइस अभी भी, अरे देखो गाइस अभी भी पागलपंती कर रहे हो, शट अप फटाफट बोल के जया को भूख, निम्मी को भूख लग रही है, निम्मी कह रही है अभी नहीं बोल रही मैं। तो गाइस हम जरा खाना चख लेते हैं, जय महाराज ने बनाया है, बनाते हो तुम खाना? तो मैंने ही बनाया वो, हाँ मैंने ही बनाया वो खाना, रील बना बना के शॉक एक्सप्रेशन आने लग गए दोस्तों, जब आने चाहिए तब तो आते नहीं है। गाइस जय बाबा की। तो दोस्तों हम खाना खा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं मम्मी के। गाइस हमने तो खा लिया खाना, और खा पी के बैठे पड़े, और निम्मी हेरी निम्मी खा लिया खाना, फिर खा ले आ रहे हम। अरे यार तो मजे मजे ले बताना, खा लिया खाना जैन के, हमने खाना भी खा लिया है, और बर्तन भी धो दिए दीदी ने, सॉरी इसने नहीं धोए मैंने धोए बर्तन, पड़ रहे हैं ना खींच के। गाइस ये कोई बर्तन मैंने धोए, ये कुछ काम नहीं करती है, इसको बर्तन धोने आते भी नहीं है, एक गिलास में एक टप पानी लगाती है। अरे गाइस ये बहुत झूठ बोलते, मैंने बताया था ना, सब क्या ही हुआ है। 100 बात के एक बार निम्मी ने धोए बर्तन, और वो खाना बनाया था मस्त, जया ने दाल चावल बनाए थे मस्त हो रहे थे। बाकी यार जया ना बहुत दिनों से कह रही है, बहुत दिनों से तो पता नहीं, आज सुबह ही कहा मुझे, कह रही बल रिवील करना है, रिवील करना है, अब सुन लूँ मैं भी इसके मुंह से क्या बोल लिया निम्मी, पता तुझे? जया बुला रही है मुझे, इतने बड़े हो गए कम टू माय दोरे, उधर ना हो रे। गाइस कम टू माय दोरे, और हम इधर नहीं हो रहे। ले भाई गाइस को निम्मी को दे रहा हूँ मैं, एक बार के लिए तो चाचा अच्छे हैं, पर दीदी अच्छी नहीं है गाइस, दीदी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है, पीछे कहाँ से आए गाइस? ला मैं बना दूँ? नहीं मैं बना दूँ। गाइस आ गए जय मैडम के सामने, तो हाँ भाई बताओ क्या खुजली हो रही है तुम्हारे को? अरे दोस्तों हम ना ये, मैं ना ये रिवील करने चाह रही थी कि ना सभी लोग हमारा ना, कैमरा सीधा करो पहले, सभी लोग ना हमारा व्लॉग देखते हैं, और हमारे शॉर्ट्स वीडियो और रील्स वगैरह देखते हैं इंस्टा पे भी, और इस पे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली है, सभी देखते हैं, तो फ्रेंड्स को ज़्यादातर पता है, जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें हम बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, उनको पता नहीं है, क्योंकि आधे लोग जानते हैं आधे लोग नहीं जानते हैं इनको। देखो ये ना रिश्ते में मेरे क्या लगते हैं बताओ, क्या लगते हो तुम रिश्ते में मेरे? जय बाबा की।
अब शहंशाह वाला डायलॉग मत मारना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मैं गाइस, जया पता नहीं ये सवाल क्यों कर रही है, आई डोंट नो, बट मैं जया का चाचा लगता हूँ। गाइस यही है असली सच्चाई, ये रिलेशन में मेरे चाचा लगते हैं, लेकिन ना मैंने चाचा बोलती नहीं, और वो ना इनका ही रीजन है। गाइस मैं लगता हूँ अभी मैं 23 साल का हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, शादी नहीं, अब कोई मुझे चाचा। भाई पहले कैमरा सीधा करो यार, एज में मैं इनसे बड़ी हूँ, ठीक है, और ये मुझसे है 3-4 साल शायद, तीन जैसे 4 साल छोटा हूँ मैं, 4 नहीं हूँ भाई, 3 साल छोटे हूँ, 4 साल छोटा हूँ मैं, 4 भी 3 भी क्यों हुए, 2 ही साल हुए, अब तुम्हें 25-27 साल लगेगा, दिमाग भी तो जोड़ो ना, दिमाग तेज है। दोस्तों यही है, एज में ये मुझसे छोटे हैं लेकिन आदर में बड़े हैं। अब रही बात ये, अब ऐसे मत बोलना कि तमीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है, चाचा नहीं बोलती है, लाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब पहली बार इनसे बात करी थी तो मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को चाचा मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोगों का जो बॉन्ड है ना वो एक फ्रेंड जैसा है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिश्ते को नाम दो तो उसमें दिखाओ, अगर सोचो अगर आप किसी रिश्ते को नाम दे रहे हो, अच्छे से इज्जत दिखा रहे हो लोगों को, और पीठ पीछे कुछ और ही हो रहा है, तो फिर वो भी सही नहीं है ना। तो हम तो भाई सही हैं, सही सही बोल रहे हैं, तो यही बात है, सुबह से ही बात बोलनी थी। बाकी भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है यार, हम ना चटपटे बंदे, चटपटे, हाँ चटपटे कुरकुरे होते ना वैसे हम, टेढ़ा मेढ़ा, हाँ भाई बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो मोस्टली लोग पूछते रहते हैं, देखते हैं मेरी वीडियो और कमेंट करते हैं मम्मी को, सीधा फोन करके पूछते हैं। 100 बात की एक बात है यार, हमारा ना बॉन्ड अच्छा है ना। हाँ हमारी फैमिली में भी सभी ऐसे हैं, फ्रैंक हैं, इनकी मम्मी को मैं नानी बोलती हूँ, और जो बाकी क्योंकि यार चाची वाची, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर बाहर जाता नहीं, घर भी मेरा पास में ही है, यारी दोस्ती में रखता नहीं, तो जया का घर पास में रहता है, इसलिए मैं मुँह उठा के पास में आ जाता हूँ, है ना। बार बार जाने से अच्छा क्या, जब अपने लोग हैं यहीं आके बैठ जाते हैं, हम यहीं गपशप कर लेते हैं। काफी लोगों ने ना पूछा था, रील्स वगैरह देख के भी, शॉर्ट्स वगैरह देख के भी पूछा था कि जो तेरे साथ लड़का रहता है वो कौन है, फ्रेंड है या कौन है, ऐसे करके पूछा था। तो बार बार ना एक्सप्लेन करना पड़ता है कौन है कौन, तब बताना पड़ता है वो मेरे पापा के मामा के बेटे हैं, तो इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा ना मैंने व्लॉग बना दिया, अब देख लेना आप लोग, बात खत्म, जय बाबा की। सो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, बड़ा दर्द हो रहा है मुझे, इतना बड़ा रिवील करना है, बल रिवील करना है, क्या रिवील करना है, यही रिवील करना था। बाकी हमारा बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, लड़ते भिड़ते तो हम रहते ही हैं, खाओ पियो मस्त रहो, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो भाई, ठीक है चलो फिर बस, हाँ दफा हो जाओ। भाई इसने इतनी दूर से मुझे इस चीज के लिए, मीटिंग के लिए यहाँ बुलाया था इसने, मैं अपनी मीटिंग छोड़ गया हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको इनकी मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, हाँ आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, नहीं चैनल को नहीं यार मैंने क्या बोल दिया, चैनल को इसको देखो इसको, अरे यार महारानी प्रताप सिंह बर्तन धो के हाथ घिस गए, लकीरें घिस गई, बर्तन धोए नहीं है मैंने, धोए हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग, किसने बोला गाइस, ये ना मेरे बारे में बहुत झूठ बोलती, अरे कैमरा तो ढंग से दे दिया करे यार दोनों, गाइस ये बहुत झूठ बोलती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया जब हम खाना खा रहे थे कि ये इसका दिमाग जरा सनक्या गया है, तो ये कुछ भी बोल देती क्या है, क्या होता है सनक्या ना वो बता दे, वो मतलब सनक गया वो तो सबको पता है ना दीदी, सबको पता है वो, प्लीज आप बताओ मत, बीच में नहीं बोलते, अभी यूट्यूब फैमिली और मेरे बीच वार्तालाप हो रही है बस, ठीक है देखो गाइस ये कुछ कह रही है, क्या बोला था आपने, हाँ। और भी कुछ बोला था आपने, नहीं और कुछ नहीं बोला था, इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, मिलेंगे, मैं बोलती हूँ गाइस ये तो मतलब पूरा दिन लगा देगी ऐसे कर करके, मैं बोलती हूँ इसके लाइक ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, प्लीज करो कमेंट करो।